इस वीडियो में आपको ओम घाट से लेके हर की पैड़ी तक का दृश्य देखने को मिलेगा और साथ में आपको मौसम यानी ठंडी जो हरिद्वार में अपड़ रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं कोहरा छाया हुआ है, सूर्य उदय हो चुका है और ओम घाट के दृश्य आप देख रहे हैं, तो ऐसी ही पूरी वीडियो और पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। हाय दोस्तों, हर हर गंगे नमामि गंगे, हम आ चुके हैं फिर से हर की पैड़ी में और आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं की संख्या जबरदस्त कितनी ज़्यादा है। तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। आप अगर हरिद्वार की प्लानिंग कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे निःशुल्क रहने की व्यवस्था कहाँ पे होगी, जो कि रहना खाना पूरी तरह से निःशुल्क होगा, चलते हैं आपको पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। चार धाम यात्रा से जुड़ी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो हमारी स्टार्ट हो चुकी है और हम आ चुके हैं हर की पैड़ी के पास। आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी हुई आपको दिखाई दे रही है, गंगा जी की धारा कितनी कम है लेकिन डुबकी लगाने के लिए पर्याप्त है। इधर भी श्रद्धालुओं की संख्या है और इधर भी श्रद्धालुओं की संख्या है और सुबह सुबह तेज धूप है, काफी अच्छा। सुबह सुबह आप आके 8 बजे से पहले अगर गंगा जी में डुबकी लगाते हैं तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट होने वाली है, क्योंकि ये टाइम के अंदर आपको ठंडी ठंडी हवाएं, मौसम काफ़ी लाजवाब मिलेगा, सूर्य की किरणें जो कि तेज होगी लेकिन लगेगी काफ़ी कम, क्योंकि आज हम आए हुए हैं सुबह 7 बजे ही घाट पे पहुंच गए थे, लेकिन जो दृश्य देखने को मिला वो वास्तविक में अब काफ़ी आनंदित महसूस हमने आज किया, क्योंकि इतनी कोहरा छाया हुआ था। जैसे ही घर से निकले रास्ते में, हमने रास्ते का वीडियो आपको इस वीडियो में दिखाया, ठंडी अब लगभग स्टार्ट हो रही है और अब की जो मौसम है काफ़ी शानदार होने वाला है। सुबह सुबह जब ठंडी के सीजन आ जाती है तो गंगा घाटों में धूप निकलता है, सूर्य उदय होता है, उसके बाद जो डुबकी लगती है वो वास्तविक में एक आत्मा को शांति प्रदान करती है, काफ़ी अच्छा महसूस होता है हर की पैड़ी गंगा घाटों में बैठना। तो आप जब भी हरिद्वार आते हैं तो सुबह के टाइम हर की पैड़ी में ज़रूर बैठें। अगर आप अभी से लेके फरवरी के बीच आने की प्लानिंग कर रहे हैं, तब ऐसे आप 12 महीना कभी भी आएंगे सुबह के टाइम अगर हर की पैड़ी में बैठेंगे तो मन आपकी पूरी तरह से शांत और आनंदित महसूस करेगा। देख रहे हैं गंगा जी की धारा कितनी कम है, लेकिन आपको स्नान करने के लिए परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी, आप आराम से स्नान कर सकते हैं, गंगा जी में डुबकी लगा सकते हैं। और काफ़ी सारे श्रद्धालुओं का लगातार मैसेज आ रहा है, क्योंकि हम अपना पर्सनल नंबर भी वीडियो में दे देते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको मिल जाएगी, आप उसमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है माँ गंगा दर्शन के लिए आप अगर आ रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और काफ़ी सारे श्रद्धालुओं का ये भी कहना है कि गंगा जी हम जा नहीं पा रहे हैं तो गंगा जी हमें कैसे मिलेगा, तो आप हमारा पर्सनल नंबर में मैसेज कर दें, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको गंगा जी उपलब्ध आपके घर तक हो जाए। बाकी आपको पूरी प्रोसेस बता दिया जाएगा व्हाट्सएप में। और साथ में अगर आप अभी के टाइम हरिद्वार आ रहे हैं तो आपको देख रहे हैं श्रद्धालुओं की संख्या आप बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है तो यही दृश्य देखने को मिलता है यहाँ पे कि रूम और धर्मशाला कि जो रेट में बढ़ोतरी और साथ में यहाँ पे हर की पैड़ी के आसपास थोड़ी परेशानी होती है। हर की पैड़ी, जैसे कि आपने काफ़ी सारे वीडियो हमारा देखा होगा हर की पैड़ी के आसपास, वो अक्सर आपको यही बोलेंगे कि फुल हो चुका है, तो आप यहाँ पे ऑफलाइन आके बुकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन आके बुकिंग कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और निःशुल्क रहने की बात कहें, जहाँ पर आप 2 दिन बिना किसी परेशानी के फैमिली के साथ ग्रुप में अगर आते हैं, बेस्ट है अगर ग्रुप में आते हैं तो आप ज़रूर एक बार शांतिकुंज जाएं। ऐसे हमने पूरी वीडियो बना रखी है शांतिकुंज की, जहां पे आप 2 दिन पूरी तरह से निशुल्क खाना पीना रहना साधना शांत वातावरण, और अगर आप योगा करने के अगर प्रयास करेंगे या फिर आप साधना करने की प्रयास करेंगे कोशिश करेंगे तो आप वहाँ पर आराम से कर सकते हैं। इतनी शांति का जो वातावरण है वो वहाँ पे मिलेगा, चिड़ियों की जो चहचहाट है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, मतलब नेचुरल जो एक्टिविटी है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ऐसे हमने पूरी वीडियो बना रखी है, इस वीडियो में हम ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे, ऐसे हमने जो बताना था आपको हमने बता दिया है, उस वीडियो में मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप चाहे तो कॉल भी करके पूछ सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ
अगर आप हरिद्वार की आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो ये आप दृश्य देख रहे हैं। आरती में जो दृश्य अभी देखने को मिल रहा है वो इस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है। आरती के बाद जो सैलाब उमड़ पड़ती श्रद्धालुओं की बाहर की ओर जाने के लिए, अपने अपने रूम में जाने के लिए, मार्केट में जाने के लिए, तो आप देख रहे हैं सारे श्रद्धालु आरती खत्म होने के बाद बाहर की ओर निकल रहे हैं। कितनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु है यह अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इसी कारण हम आपको कहते हैं कि आरती के पहले आप लगभग 2 से 3 घंटे पहले आके यहाँ पे आप अपनी स्थान ग्रहण कर ले। देख रहे हैं वो वाली जो ब्रिज है वहाँ से लेके अभी हम आपको दिखाएंगे पीछे जो घाट है वहाँ तक फुल है। आरती से पहले का दृश्य भी आप जरूर देखें, ये आरती से पहले का दृश्य है। अभी आप देख रहे हैं अभी दिन पूरी तरह से डूबा नहीं है, सूर्यास्त नहीं हुआ है और आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे है। ये आरती से लगभग आधे घंटे पहले का दृश्य है, देख रहे हैं कुछ इस तरह का है और श्रद्धालु किस तरह से बैठे होते हैं ये आप अभी देखेंगे, क्योंकि ये जरूरी है जब आप हरिद्वार गंगा आरती में सम्मिलित होंगे तो आपको सावधानीपूर्वक यहाँ पे बाहर निकलना पड़ेगा और यहाँ पे बैठना पड़ेगा। गंगा जी की आरती के समय कोई स्नान नहीं करता। जल की गति आप देख रहे हैं काफ़ी तेज है, लेकिन जितना आपने वीडियो में देखा है स्टार्टिंग में उतना ही जल की गति है। अब बात करें हम चारधाम यात्रा की, तो चारधाम यात्रा में अभी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है, चारधाम यात्रा, तुंगनाथ यात्रा आप आराम से कर सकते हैं और साथ में हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा में तो कभी कोई दिक्कत हुई ही नहीं है। होटल धर्मशाला की बुकिंग आप पहले से करने की कोशिश करें, अगर नहीं भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से यहाँ पर आके रूम की बुकिंग कर सकते हैं। बाकी आप यहां पे आने के लिए आपको ट्रेन की मार्ग है, हवाई जो यात्रा है वो आप कर सकते हैं। हवाई यात्रा यानी देहरादून में आपको जॉली ग्रांड एयरपोर्ट मिलेगा और आप अगर पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं या फिर आप आ रहे हैं बस से तो आप सारे सुविधाएं यहां पे है, आप आराम से आ सकते हैं। क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन था पे कमरे इतना जल है तो जल की गति थमी समी है, लेकिन थमी उतनी भी नहीं है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भाई साहब लोग स्नान कर रहे हैं, श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, जल की गति कमर इतना है यहाँ पे और एटलीस्ट आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि वो भाई साहब खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, आपने देखा लाइव दृश्य, तो गति नॉर्मल है, बिल्कुल किसी बारे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जो पॉलिथीन आप यहाँ पे देख रहे हैं वो यूज़ करने के बाद कोई श्रद्धालु छोड़ चले गया है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप पॉलीथीन यूज़ करें, यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े गीले कपड़े छोड़े छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डस्टबिन में छोड़े ताकि यहाँ की जो सफाई की जो व्यवस्था है वो बना रहे। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग देखिए यहाँ पे कपड़े आप देख रहे होंगे छोड़े हुए हैं, तो इस तरह का दृश्य यहाँ पे देखने को मिलता है। ऋषिकेश बाईपास से आएंगे तो यहाँ पे आपको घाट के पास ही कुछ पार्किंग देखने को मिलेगा जहाँ पे गाड़ियाँ आपको खड़ी हुई दिखाई दे रही है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हर हर गंगे, नमामि गंगे।